बिलासपुर में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप राठौर ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को चेतावनी देते हुए कहा कि कांग्रेस के अंदरूनी मामले में वे हस्तक्षेप ना करें। उन्होंने भाजपा को याद दिलाते हुए कहा कि पूर्व में ज्वालाजी में हुई घटना से उन्हें सबक लेना चाहिए था। तब के भाजपा के हिमाचल प्रभारी जो आज प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी से भी गुटबाजी के कारण दुर्व्यवहार हो चुका है। उन्होंने प्रदेश सरकार पर आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में हुए कार्यों का उद्घाटन कर वे जनता का दिल जीतना चाहते हैं और आगामी लोकसभा चुनाव उन्हीं मुद्दों पर लड़ रहे हैं। उन्होंने ऐलान करते हुए कहा कि लोकसभा की चारों सीटों पर भाजपा बुरी तरह हारेगी और प्रदेश में कांग्रेस एक बार फिर चारों सीटों पर विजयी रहेगी। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप राठौर ने कांग्रेस के नेताओं से भी आह्वान किया कि जो भी सांसद बनने के लिए कांग्रेस पार्टी का प्रत्याशी बनेगा उसका सभी समर्थन करें और वे कार्यालय में 31 जनवरी तक अपना आवेदन कर सकते हैं और जारी रहेंगे। क्या बोलेंगे आप? देखिए, दिस चैप्टर इज ओवर नाउ। छोटी मोटी घटनाएं हुई, हमने उसका संज्ञान लिया और अगर कोई अनुशासनहीनता या इस तरह का प्रयास है उसको हम सख्ती से दबाने का प्रयास करेंगे। रही बात जो जयराम ठाकुर जी ने कहा, वो उस बात को याद रखें कि ज्वालामुखी में क्या प्रकरण हुआ था, जब आपस में जो है जूतों में दाल बटी, सिर फोटो वाल हुआ, एक दूसरे पे थूका गया और मोदी जो प्रभारी थे ज्वालामुखी गए, उनके साथ क्या बर्ताव हुआ। सबसे पहले नसीहत देने से पहले वो अपने संगठन और अपनी पार्टी की तरफ ध्यान दे। और एक बात मैं और कहना चाहूंगा जयराम जी को कि मजबूत विपक्ष का सामना उनको करना पड़ेगा, वो अपना सरकार चलाएं, कांग्रेस में क्या करना है वो हमारा काम है, वो जयराम का काम नहीं है ना भारतीय जनता पार्टी का काम है। से इस बार इलेक्शन जीता जाएगा कांग्रेस का, भाजपा को कोई भी सीट नहीं मिलेगी, क्या कहना चाहेंगे आप आगामी लोकसभा चुनाव होने जा रहे सर, उसको लेकर अभी तैयारी कैसी है सर? देखिए ऐसा है, सत्ता विरोधी रुझान जो है केंद्र सरकार के खिलाफ, जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी ने निर्णय लिए, आज समाज का हर वर्ग, चाहे नौजवान हो, महिला हो, हमारे जो है किसान हो, बागवान हो, छोटे व्यापारी हो, हर वर्ग उनके खिलाफ है। आज देश की अर्थव्यवस्था का उन्होंने तहस नहस कर दिया, जीएसटी और नोटबंदी जैसे गलत निर्णयों को लेकर, महंगाई चरम सीमा पे, रक्षा सौदों में घोटाले हुए, आज सरकार जो है चंद पूंजीपतियों की गिरफ्त में, उसी तर्ज में हिमाचल प्रदेश सरकार एक नाकाम सरकार रही है। पिछले एक वर्ष में धरातल में कोई तरक्की का काम नहीं दिख रहा है, कानून व्यवस्था के बहुत बुरे हाल हैं प्रदेश में, आए दिनों हत्याएं, बलात्कार, चोरी डकैती की घटनाएं बढ़ी हैं, युवा नशे के गिरफ्त में जा रहे हैं और ये सरकार नशा रोकने में, नशे का व्यापार रोकने